कोहली या सचिन तेंदुलकर? यार पहले दो इतने बड़े नाम ले लिए, कंफ्यूज करके रख दिए। ठीक है, विराट कोहली कवर ड्राइव, बाबर आजम कवर ड्राइव। इंग्लैंड से कम दो मैचेस तो हम हारेंगे, सोचा तक नहीं था कि बांग्लादेश हमें हरा के चली जाएगी। इससे आप अंदाजा लगाएं कि हमारी टीम का मोराल कहां पे आ गया हुआ है, चेंज किधर है। जो बाबर गलती कर रहा था वही ईशान मसूद गलती कर रहा है। 26 में 6 आउट हो के अगर आप मैच हार जाओगे तो आपकी कप्तानी तो बढ़ गई हुई है। दिलीप के ऊपर आप एक कैच आपका मिस हुआ है, आपने फील्डर नहीं खड़ा किया हुआ था, उसके बावजूद तो आपने फील्डर नहीं दोबारा खड़ा किया, 3 कैचेस वहां पे निकले। ये चीजें बड़ी मैटर करती होती है। ये वही बॉलर्स हैं, जब ये इंडिया में 19 तारीख को आप देखिएगा जब जायसवाल और रोहित शर्मा का बल्ला चलेगा ना स्टार्टिंग के अंदर ही, तो इन बॉलर्स के बच्चे बच्चे बॉलर्स हैं, इनको 1 ओवर में 3 चौके पड़ने की दोबारा लाइन और लेंथ इनकी सही नहीं होनी है, इन्होंने आगे पीछे बॉल करनी है। ये पाकिस्तान से हुआ नहीं था, और मुझे तो डर लग रहा है कि ये ना हो जाए कि चेयरमैन को हटा दें, आपके स्टेडियम टाइम पे रेडी ना हो तो आपकी चैंपियंस ट्रॉफी मुल्क से बाहर चली जाए। मुझे तो लग रहा है इंडिया को तो ये सोच ही आना चाहिए कि उनको मुफ्ती की चैंपियंस ट्रॉफी मिल जाए, उनके सारे मैचेस लाहौर के अंदर होंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। ये बुमराह बुमराह से पूछा तो कहता है कि ना मेरा आइडियल है वसीम अकरम, वकार यूनुस, वो इनको देखा करता था बॉलिंग को। अगर आप देखें इस वक्त दुनिया के अंदर वो वाहिद बॉलर है जिसकी लाइन और लेंथ सबसे पक्की है, उसने एक ही जगह पे ठप्पा मारना है और एक ही जगह पे उसका बॉल है जिस तरह ना जाना है, तो उसकी लेंथ भी बड़ी एक्यूरेट है, लाइन भी बड़ी एक्यूरेट है, तो वो खेलना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो बहुत खतरनाक बॉलर है, उसका खौफ भी बड़ा है सामने बल्लेबाजों के ऊपर। समझ नहीं आ रही कि इंडिया क्या करेगा, फिर भी आप ये समझ ले कि 51% ऑस्ट्रेलिया समझ ले तो 49% इंडिया। अब मैचेस का मैं भी कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि बड़े दिन पड़े हैं। हाँ रही बात इनकी बैटिंग की, तो बांग्लादेश की हमारी वाली गलती नहीं इंडिया कभी करेगा, 26 पे 6 अगर इंडिया ने किया होता तो वो 30 पे 10 आउट भी कर देते, तो वो बांग्लादेश की बैटिंग बैटिंग को टिकने नहीं देंगे। और इंडिया की हम बैटिंग बैटिंग करते हैं, इंडिया की बॉलिंग भी बड़ी खतरनाक है। कश्ती में 3 लोग हैं, चौथा मैं हूं। हाँ जी, आप तो चला रहे हैं ना, आपने तो ले जाना है। बिल्कुल अच्छा तो एक को गिरा सकता हूं, दो को जिस लेके जाना। यार ये बहुत खतरनाक सवाल पूछ लिया आपने। मैं मतीउद्दीन, आप सबको क्रिकेट के फैन में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपनी मेहनत से अपने आप को मनवाया, ना किसी मीडिया से, ना किसी जर्नलिस्ट से, कहीं से जो है उनका बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन अपनी मेहनत करके इन्होंने अपने आप को मनवाया। और सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि भारत में भी इनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। और अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त टॉप 5 बेस्ट स्पोर्ट्स यूट्यूबर्स में इनका नाम आता है तो ये कहना गलत नहीं होगा। मेरे साथ वन एंड ओनली वलीद रऊफ मौजूद है, तो वेलकम करूंगा वलीद भाई आपको। और मेरे लिए लिटरली बहुत ज्यादा ऑनर की बात है कि आपने टाइम दिया, और मैंने सिर्फ आपसे एक ही दफा रिक्वेस्ट की, लेकिन आपने इतना, मैं बड़े ग्लैड हूँ कि आपने टाइम दिया। भाई मत्थी ऐसी बात नहीं है, आपने कुछ ज्यादा ही मुझको जिसको कहते हैं ना, ऐसी बात नहीं है। जो सब कुछ है फैंस की बदौलत है, फैंस प्यार करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जो हमें फॉलो करते हैं फिर हम उनके उनके साथ भी प्यार करें। बाकी आपने जो इंट्रो दी है वो ज्यादा ही आपने मेरी तारीफें कर दी, इतने में तारीफों के लायक नहीं हूँ। नहीं, आप इससे बहुत ज्यादा डिजर्व करते हैं, क्योंकि बिलीव भी आपने बड़ी मेहनत की है। तो मैं तो चाहता था कि मैं आपके साथ जो है वो शुरू में आपकी यानी कि बैकग्राउंड स्टोरी पे बात करूं, लेकिन मेरा अभी इतना यानी कि टाइम नहीं है। लेकिन हम जरा बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट सीरीज पे बिलीव भाई, कि जिस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ जो कुछ हुआ है, यानी कि हम तस्वुर नहीं कर सकते थे मलिक भाई कि पाकिस्तान बांग्लादेश से मैच हारेगा अपने घर में, और यहाँ तो व्हाइट वॉश हो गया है। तो आप क्या कहेंगे कि इसकी वजह क्या है, और क्या अब कोई पाकिस्तान की क्रिकेट यहाँ से बेहतर होने के कोई चांसेस आपको नजर आते हैं, या आपको लगता है इससे भी अब बुरा ही हाल होगा पाकिस्तान की क्रिकेट का? देखिए बेहतरी तो बहुत मुश्किल है, आप ये सोचें कि जो कोई सोच नहीं सकता वो पाकिस्तान के साथ हुआ है। कि मैं पर्सनल तौर पे ये सोच के बैठा हुआ था कि इंग्लैंड से कम दो मैचेस तो हम हारेंगे, सोचा तक नहीं था कि बांग्लादेश हमें हरा के चली जाएगी। इससे आप अंदाजा लगाएं कि हमारी टीम का मोराल कहाँ पे आ गया हुआ है। मैं अक्सर लोगों की बातें तो कुछ बड़े बुजुर्ग कह रहे होते हैं कि पाकिस्तान के लोग मानने को तैयार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की जो क्रिकेट है ना वो दफन हो रही है। जिस तरह से आपकी हॉकी खत्म हुई, आपकी स्क्वॉश खत्म हुई, आपकी क्रिकेट दफन हो रही है, लेकिन हम मानते नहीं है ना, लेकिन रियलिटी हमें दिख रही है। 2024 पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए एक बदतरीन साल है कि आप इसके अंदर न्यूजीलैंड से हारे, आयरलैंड से आप हारे, वर्ल्ड में आप सेकेंड राउंड तक क्वालिफाई किए, इंग्लैंड से आप हारे, फिर सोने पे सुहागा आप बांग्लादेश से अपने घर के अंदर हार गए।
तीनों फॉर्मेट के अंदर आप इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है, अब समझ से बाहर है। मैं आपने पूछा कि हारने की वजह क्या आ रही है, मुझे लगता है कि इस टीम का जो माहौल है वो तो हम सबको पता है कि सही नहीं है, लेकिन जो ये स्टेबिलिटी खराब हुई हुई है, जो एक स्टेबल टीम थी, एक स्टेबल यूनिट था, जिसको इन्होंने खराब किया है, ये कैसे खराब हुआ है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। पिछले 1.5 साल के अंदर 4 चेयरमैन चेंज होना, 3 दफा कप्तानों का अदला बदली होना, ये खुद चीजों को खराब करते हैं। मैं समझता हूँ जहां पे पाकिस्तान की पुअर टीम की परफॉर्मेंस है वहां पे पीसीबी का भी उतना ही असर करता है ना, दोष है जितना पाकिस्तानी टीम का है। कि आप ये देखिए कि रमीज राजा के टेन्योर के अंदर पाकिस्तान की टीम क्या परफॉर्मेंस दिखा रही थी, स्टेबिलिटी थी ना टीम को, पता था कप्तान यही है, फुल फुल चेयरमैन की सपोर्ट थी, चेयरमैन जो था वो लॉन्ग टर्म के लिए था। वंस आपने चेंज करना शुरू किया आपकी टीम का माहौल खत्म हो गया, जब बात आई थी ना लालच की, अब जैसे कैप्टनसी की जो जंग हमारी टीम के अंदर चल रही है, इसने हमारी टीम को बेकार करके रख दिया। लेकिन इसको भी छोड़ दे, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी तो नहीं ना आ रही, बाबर की परफॉर्मेंस हमारे सामने, शाहीन की परफॉर्मेंस हमारे सामने है, इवन की नसीम की भी वो परफॉर्मेंस नहीं है, तो आपको एक अलग माइंडसेट के साथ जाना पड़ना है। आप तो ये सोचें कि अगर बांग्लादेश ने हमें 2-0 से हराया, आराम से, बड़े आराम से, इजीली उन्होंने हराया, तो इंग्लैंड कहीं हमें 3-3 दिन के अंदर टेस्ट मैच ना हरा दे, मैं तो ये सोच रहा हूं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विनीत जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो हम तो सपोर्ट नहीं कर सकते थे कि यार ये पाकिस्तान की क्रिकेट का हाल हो चुका, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हॉकी की तरह पाकिस्तान की क्रिकेट जा रही है, और एट दी एंड कहीं ऐसा ना हो कि वाकई हॉकी की तरफ चले जाए। अच्छा विनीत भाई, साथ साथ तरह थोड़ा सा अगर हम कप्तान की तरफ बात करें कि शान मसूद की कैप्टनसी की, एक तो हम पहले बात है कि अगर लिटरली बात की जाए तो डिजर्व जो है वो इमामुल हक शान मसूद से बेहतर था, उसने परफॉर्मेंस ज्यादा दी हुई थी, लेकिन आप शान मसूद को आपने कप्तान बना दिया कि जी अंग्रेजी अच्छी बोलता है या जो भी है, अब आपके ख्याल में क्या कप्तान चेंज होना चाहिए या आपके ख्याल में कि अभी शान के साथ कंटिन्यू ही करना चाहिए, क्योंकि हम पहले भी इस देखिए मुद्दे देखिए, अगर आपने जीतना, अगर आपने इस चीज को तोड़ना है, मैं तो भाई उन लोगों में से हूँ जो पहले भी कह रहे थे कि शान को जिसको कहते हैं ना, मैं जिस बंदे की टीम में जगह नहीं बनती आपने उसको कप्तान बना दिया। 28 की एवरेज है उसकी टेस्ट के अंदर, कौन सा वन डाउन का ऐसा बैटर है जिसकी 28 की एवरेज होगी, ये चीज है शान। हाँ आप ये कह सकते हैं कि जब से वो कप्तान बना है उसने तेज खेलना शुरू कर दिया, जो कि एक अच्छा साइन है, खेलना चाहिए। जब तक वो क्रीज के ऊपर होता है पाकिस्तान का जो स्कोर कार्ड होता है ऊपर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने आउट होकर चला जाना। इंग्लैंड के खिलाड़ी तेज खेलते हैं तो 5 में से अगर वो 2 में फेल हो रहे हैं, 3 के अंदर वो 70-80 भी कर रहे हैं। इमामुल हक आपके सामने है कि वो 25-30 जब खेल रहा होगा बहुत अच्छा खेल रहा होगा, एकदम ऐसे आउट होकर चला जाएगा। शान मसूद के लिए जरूरी ये है कि शान मसूद को, अगर देखो कप्तान वही अच्छा लगता है जो खुद भी परफॉर्मेंस दिखाए। आपके सामने है जब बाबर कप्तान था ना, 2022 तक की मैं बात कर रहा हूँ, 2022 तक टीम बाबर की सुनती थी क्योंकि तो बाबर की परफॉर्मेंस बोलती थी, किसी के आगे हिम्मत नहीं होती थी बाबर के आगे कुछ बोलते। 2023 में जब परफॉर्मेंस डाउन हुई, 2024 में परफॉर्मेंस डाउन हुई, आपको दिखने लग गए ड्रेसिंग रूम में फड्डा हो गया, उसने ये बोल दिया उसने ये बोल दिया। जब आपकी अपनी परफॉर्मेंस डाउन होगी ना तो फिर आपके टीममेट भी नहीं आपकी सुनेंगे। शान मसूद को कप्तान बनाया ठीक है, आपने चेंज की तरफ गए, चेंज किधर है? जो बाबर गलती कर रहा था वही शान मसूद गलती कर रहा है। 26 में 6 आउट हो के अगर आप मैच हार दोगे तो आपकी कप्तानी तो बढ़ गई हुई है। दिलीप के ऊपर आप एक कैच आपका मिस हुआ है, आपने फील्डर नहीं खड़ा किया हुआ था, उसके बावजूद आपने फील्डर नहीं दोबारा खड़ा किया, 3 कैचेस वहां पे निकले, ये चीजें बड़ी मैटर करती होती हैं। तो मेरी नजर के अंदर तो शान मसूद सिर्फ और सिर्फ एक पीआर कप्तान थे जिनकी पीआर चल रही थी। जैसे ही अब उनके जो हमारे सामने रिजल्ट आए हैं, अब यकीन करें बाबर आजम मैं कहता हूँ बहुत बुरा कप्तान था, लेकिन छोटी टीम के अगेंस्ट ना ये परफॉर्मेंस नहीं आती होती थी। हम हारते थे टेस्ट के अंदर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से, हारते थे न्यूजीलैंड से, हो गया लंका को अपने घर के अंदर उनको हरा कर आए थे, बांग्लादेश को भी हमने हरा देना था। आपने बनी बनाई टीम का बेड़ा गेड़ा कर दिया, टेस्ट के अंदर तो अच्छी परफॉर्मेंस चल ही रही थी तो लगा ही रखते, लेकिन अब आपने कर दिया। तो मेरे लिहाज से अगर मुझे कहेंगे तो मुझे नहीं लगता ये लोग कैप्टनसी चेंज करेंगे, शान के साथ ही जाएंगे, क्योंकि अब आपका सीजन है। अगले 4 महीने आपके मैचेस आप कप्तान चेंज ही नहीं करते, लेकिन अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं तो ये कहूंगा आपके लिए जरूरी है पाकिस्तान का जीतना। पाकिस्तान की अब पाकिस्तान बाहर हो गया WTC से, पाकिस्तान के लिए जरूरी ये है कि पाकिस्तान एटलीस्ट एक मैच तो अपने घर के अंदर जीते। तो आपके पास मेरा ख्याल है सरफराज अहमद की 6 से या मैक्सिमम 1 साल की क्रिकेट रहनी हुई है, आप उसको दे दें टेस्ट का थोड़ा, उसको एक तो सीरीज दे दें, उसे कहें कि एटलीस्ट हमें टेस्ट के अंदर घर में मैचेस तो जितवाओ और टीम का यूनिट दोबारा से सही करो।
ठीक हो गया बलीत भाई। अच्छा अब मैं बलीत भाई थोड़ा सा आऊंगा कि जैसे कि जब बात ये भी हो रही है कि बांग्लादेश ने अपनी क्रिकेट को बहुत इंप्रूव कर लिया है, अब सवाल ये है कि आपको क्या लगता है, क्योंकि अब बांग्लादेश ने इसके बाद जाना इंडिया, तो अब इंडिया की बांग्लादेश के साथ जो है वो सीरीज होनी है, आपको क्या लगता है कि वाकई बांग्लादेश ने अपनी क्रिकेट इतनी इंप्रूव कर लिया है कि वो इंडिया को भी टफ टाइम देगा, या आपको लगता है कि पाकिस्तान ने इतनी गंदी क्रिकेट खेली है कि उन्होंने जो है बांग्लादेश से हार गया, आपकी क्या राय है इस वाले से? देखिए, पहली चीज बांग्लादेश को पता था कि पाकिस्तान क्या क्रिकेट खेल रहा है और बांग्लादेश को पता है इंडिया क्या क्रिकेट खेल रहा है। बांग्लादेश के जो यहाँ पे बॉलर बने हुए थे, जो हमें हमारे बल्लेबाजों को आउट करके गालियां निकाल रहे थे, मैं हसन की बात कर रहा हूँ, रिजवान को आउट करके नहीं था दिखा रहा था, ये वो ही बॉलर थे। जब ये इंडिया में 19 तारीख को आप देखिएगा, जब जायसवाल और रोहित शर्मा का बल्ला चलेगा ना स्टार्टिंग के अंदर ही, तो इन बॉलर्स की बच्चे बच्चे बॉलर्स हैं, इनको एक ओवर में 3 चौके पड़ने की दोबारा लाइन और लेंथ इनकी सही नहीं होनी है, इन्होंने आगे पीछे बॉल करनी है, ये पाकिस्तान से हुआ नहीं था। तो वही होगा, इनकी बॉलिंग तो आप देखिए वहां पे कोलैप्स होगी। हाँ, बीच में क्या पता कि जब रोहित शर्मा और जायसवाल तेज के चक्कर में आउट हो गए तो उनके बॉलर्स को जाके कट जाए, लेकिन वो ऐसे दो ओपनर है, वो अटैक ऐसा करेंगे कि सामने वाले झुक जाएंगे। रही बात इनकी बैटिंग की, तो बांग्लादेश की हमारी वाली गलती नहीं इंडिया कभी करेगा, 26 पे 6 अगर इंडिया ने किया होता तो वो 30 पे 10 आउट भी कर देते, तो वो बांग्लादेश की बैटिंग बैटिंग को टिकने नहीं देंगे, और इंडिया की हम बैटिंग बैटिंग करते हैं, इंडिया की बॉलिंग भी बड़ी खतरनाक है। बिल्कुल ठीक है ओलंपिक के, वाकई इंडिया की जो टीम है उसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है बांग्लादेश का। और मैं भी यही बात कर रहा था कि अगर बांग्लादेश और इंडिया का जब सीरीज होगी तो पता चलेगा बांग्लादेश की क्या टीम है, ये तो हमारा ही है कि हम छोटी से छोटी टीम को भी बड़ी टीम बना देते हैं। और लास्ट 3 ईयर से हम अपने घर में एक टेस्ट मैच भी नहीं जीते पिछले एग्जैक्टली 10 लास्ट 3 ईयर से, तो इससे बड़ी इबरतनाक क्या हो सकती है। अच्छा इसमें थोड़ा सा हम आते हैं कि आपको पता है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी भी आनी है और सबसे बड़ा जो है वो इस वक्त चल रहा है, क्या इंडिया पाकिस्तान आएगा, ये इस वक्त $1 मिलियन क्वेश्चन है। तो आपके ख्याल में आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, आपको क्या लगता है कि क्या इस दफा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने इंडिया आ जाएगा पाकिस्तान या नहीं आएगा, आपकी क्या राय है? और जे देखिए शाह देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ना कहीं अगर ये चेयरमैन मोहसिन नकवी ही रहे, अगर ये चेयरमैन मोहसिन नकवी रहे तो अब आ जाएंगे। अगर आपके चेयरमैन चेंज हो गए ना, तो फिर आप हाइब्रिड मोड के ऊपर जाके खेलेंगे, और मुझे तो डर लग रहा है कि ये ना हो जाए कि चेयरमैन को हटा दें, आपके स्टेडियम टाइम पे रेडी ना हो तो आपकी चैंपियंस ट्रॉफी मुल्क से बाहर चली जाए। जब तक चेयरमैन मोहसिन नकवी रहेंगे तो मुझे लगता है कि शायद इंडिया आ जाए, क्योंकि ये थोड़े जिसको कहते हैं ना अपनी बात के पक्के हैं। दूसरा ये कि ये साथ ही साथ गवर्नमेंट के अंदर इन्वॉल्व भी हैं, तो ये डायरेक्टली रापता कर सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट से। और तीसरी चीज ये कि आपको पता ही है कि इसके बाद 3 बड़े टूर्नामेंट है इंडिया के अंदर, तो इंडिया को भी ये चीज का पता है, और सम हाउ मुझे फीलिंग आती है कि इंडिया कोई ऐसा तरीका निकाल के आ जाएगा पाकिस्तान। फीलिंग कहती है आना भी चाहिए, बनता भी है कि हम वर्ल्ड कप खेलने गए थे, आईसीसी ने कमिटमेंट की थी, इंडिया का आना बनता भी है, कोई वजह बची नहीं है ना। ऑस्ट्रेलिया आ गया, इंग्लैंड आ गया, हर नेशन आ गया, इंडिया को भी आ जाना चाहिए। और रही बात फैन फॉलोइंग की, तो इंडियन टीम की यहाँ पे बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है। इसमें तो कोई शक नहीं है। अभी मैं पिंडी स्टेडियम गया हुआ था तो वहां पर विराट कोहली की शर्ट पहन कर आए हुए थे फैंस, विराट एग्जैक्टली कोहली, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि इंडिया की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। और अगर इंडिया आ गया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में तो इंडिया हॉट फेवरेट भी होगा कि वो लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी जीत के चला जाए इस वक्त जिस तरह की मुझे इंडिया की टीम है। मुझे तो लग रहा है इंडिया को तो ये सोच ही आना चाहिए कि उनको मुफ्ती की चैंपियंस ट्रॉफी मिल जाए, उनके सारे मैचेस लाहौर के अंदर होंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बीपी। तो आपके ख्याल में अब आपकी प्रिडिक्शन क्या, आपको ये तो आपकी ऑब्जर्वेशन होगी, प्रिडिक्शन क्या आएगा इंडिया या नहीं आएगा? आएगा अच्छा आएगा। अच्छा साथ साथ अब आते हैं थोड़ी सी इंडिया, असल जो टेस्ट होगा यानी कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, उसकी इस वक्त बहुत ज्यादा इंडिया भी तैयारी कर रहा है और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया भी तैयारी कर रहा है, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से आपको पता है कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। तो आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि इस दफा इंडिया क्या ऑस्ट्रेलिया को हरा देगा या इस दफा ऑस्ट्रेलिया बड़ा स्ट्रांग रहेगा और इंडिया को जीत? देखिए, मैं देख रहा हूँ, मैं फॉलो कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलियन मीडिया बड़ी इसकी हाइप बना रहे हैं, और इवन की ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स बड़े इन्वॉल्व है, उन्होंने हर ट्रॉफी जीत ली सिवाय बीजीटी के जो अभी खेल रहे हैं। तो इंडिया भी टीम बड़ी खतरनाक है, वाहिद इंडिया ही जो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा सकते, लेकिन सीरीज बहुत खतरनाक होगी, ये बहुत खतरनाक सीरीज होने वाली है। मुझे ऐसा लग मुझे बड़ा कंफ्यूज है, मैं बड़े अरसे से कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही सीरीज जीतेगा तो जीतेगा कौन, क्योंकि इंडिया की भी टीम उनको दम रखती है हराने का, ऑस्ट्रेलिया भी अच्छी टीम है जीत सकती है, दम रखती है, तो बड़ी क्लोज कॉल है। समझ नहीं आ रही कि इंडिया क्या
करेगा। फिर भी आप ये समझ ले कि 51% ऑस्ट्रेलिया समझ ले तो 49% इंडिया। अब मैचेस का मैं भी कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि बड़े दिन पड़े हैं। हाँ अगर वन तब ये बांग्लादेश और न्यूजीलैंड वाली जो इंडिया सीरीज खेल लेगा जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आधा इजी हो जाएगा। इंडिया की टेस्ट टीम को देख के अंदाजा हो जाएगा कि इंडिया की टेस्ट टीम कितनी खतरनाक हुई है इस टाइम पे। और एक और बात थी, बिल्कुल उम्मीद ये कर रहे थे कि पाकिस्तान बांग्लादेश से अपने दोनों मैचेस जीतेगा, उसके बाद कहीं ना कहीं WTC का जो सिनेरियो है वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ होप बनेगी, लेकिन वो सारी होप ही आज पाकिस्तान ने जो है वो खत्म करा दी बांग्लादेश से हारने के बाद, तो एक डिजास्टर टू है। अच्छा अब बिल्कुल इस तरह बात करते हैं कि पाकिस्तान का ODI का कप्तान अभी बाबर आजम है, अब चैंपियंस ट्रॉफी भी बिल्कुल करीबी है, पाकिस्तान के सिर्फ ODI की एक सीरीज है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ है, तो आपके ख्याल में क्या चेंज पे जाना चाहिए, बाबर आजम को हटाना चाहिए या आपके ख्याल में नहीं? देखिए बात ऐसी थी कि फैसला हो गया होता कि शान मसूद बनेगा आपका कप्तान दोनों फॉर्मेट का, टेस्ट का और ODI का। वेट इसलिए किया जा रहा था कि रिजल्ट देखना था, रिजल्ट आपके सामने है तो अब तो भूल जाए कि बाबर चेंज होने वाला है, अब तो ये रिस्क नहीं वाले, क्योंकि जो शान ने परफॉर्मेंस करके दिखाई है, शान तो मेरा ख्याल है टेस्ट की भी कैप्टनसी गवा देगा, तो अभी ये लोग जाएंगे बाबर के साथ ही, क्योंकि एक ही आपकी सीरीज है ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज है ODI की, तो ये चेंज नहीं करेंगे। T20 के अंदर ही मेरा ख्याल है बाबर के साथ ही जाएंगे, क्योंकि जब बाबर ने कैप्टनसी ली थी ना तो बाबर ने एक ही चीज कही थी कि मैं कप्तान चैंपियंस ट्रॉफी तक की, जैसे कहता ना मुझे फिर मोहलत दीजिएगा एकदम से वर्ल्ड कप की ना दीजिएगा, और मोहसिन अभी बड़े पक्के इंसान है, उतनी जल्दी चेंजेस करते नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कब कैप्टनसी चेंज होगी। हाँ अगर 2-0 ये हो जाता, ये बांग्लादेश वाला और इंग्लैंड का भी हो जाता, अगर 2-1 हो जाता या 2-0 हो जाता, तो आपका शान मसूद फिर तीनों फॉर्मेट का कप्तान बन जा रहा था। डन हो गया अभिलीत भी, बस ये सारी चीजों पर बात आपके साथ करनी थी, बाकी अब छोटा सा सिर्फ एक रैपिड फायर एक छोटा सा आपके साथ बस करना है, तो बस आप जो है जल्दी से बता दीजिएगा। पहला ये है कि विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर? यार पहले दो इतने बड़े नाम ले लिए, कंफ्यूज करके रख दिए। देखो मैं ये कहूंगा कि जिस टाइम पे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेला करते थे उस टाइम पे हेलमेट भी नहीं होता था, बॉलर की पेस भी बड़ी होती थी और बॉल भी ज्यादा खतरनाक होता था, तो सचिन तेंदुलकर। ठीक हो गया। साथ बात करते हैं मोहम्मद आमिर या शाहीन शाफी? आमिर आमिर। ठीक है, विराट कोहली कवर ड्राइव, बाबर आजम कवर ड्राइव, बाबर की कवर ड्राइव। ऋषभ रिजवान या ऋषभ पंत? पंत के पास ज्यादा मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस है एज कंपेयर टू रिजवान, तो ऋषभ पंत। ठीक है, बुमराह या नसीम शाह? बुमराह, बुमराह बहुत खतरनाक बॉलर है, बुमराह वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है इस वक्त। नो डाउट। थोड़ी सी अगर मैं बलदीप बुमराह की बात करूं तो आपके ख्याल में कि जो बुमराह ने वर्ल्ड कप के दिनों में जिस तरह पाकिस्तान वाला मैच भी और फाइनल वाला मैच भी, यानी कि हाथों से आपकी प्लेट में जो मैच मारे था वो छीन के बुमराह ने निकाल दिया, तो आप क्या कहेंगे बुमराह के हवाले से अगर थोड़ी सी बात करें तो आप देखिए बुमराह? बुमराह, बुमराह से पूछा तो कहता कि ना मेरा आइडियल है वसीम अकरम, वकार यूनुस, वो इनको देखा करता था बॉलिंग को। अगर आप देखें इस वक्त दुनिया के अंदर वो वाहिद बॉलर है जिसकी लाइन लाइन सबसे पक्की है, उसने एक ही जगह पर ठप्पा मारना है और एक ही जगह पे उसका बॉल है जिस तरह ना जाना है, तो उसकी लेंथ भी बड़ी एक्यूरेट है, लाइन भी बड़ी एक्यूरेट है, तो वो खेलना बड़ा मुश्किल होता है, तो वो बहुत खतरनाक बॉलर है, उसका खौफ भी बड़ा है सामने बल्लेबाजों के ऊपर। कुमार संगकारा या ब्रायन लारा? ब्रायन लारा बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन मैंने उनको पर्सनली देखा नहीं है इतना, लेकिन फिर भी अगर देखा नहीं है लेकिन सुना बहुत बड़े प्लेयर थे, लेकिन मैं फिर भी कुमार संगकारा के साथ जाऊंगा, क्योंकि मेरी नजर के अंदर लेफ्टी बड़े कमाल के प्लेयर थे। हाँ अगर किसी और से आप पूछेंगे तो ऑफकोर्स ब्रायन लारा कहेंगे, लेकिन मैं कुमार संगकारा को बड़ा पसंद करता था। वली भी आप ज्यादा ही एज अपनी कम नहीं बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैंने ब्रायन लारा को देखा नहीं है। एग्जैक्टली नहीं देखा। अच्छा सही सही हो, हाँ ठीक हो गया। जेम्स एंडरसन या डेयर स्टेन? हाँ एंडरसन। एंडरसन। ठीक हो गया, बस फिर भी एक गेम जो है उसमें बस जो दो क्वेश्चन आपसे करनी है, आप एक कश्ती चला रहे हैं उसमें जो है वो आपके साथ कश्ती में जो बैठे हैं विराट कोहली है, रोहित शर्मा है और जसप्रीत बुमराह है, आपने जो है वो एक को जो है वो ड्रॉप करना है, ये एक पानी का आपने गिरा देना है और दो को आपने लेके जाना है, एक को गिराना है, किसको लेके गिराएंगे? कश्ती में 3 लोग हैं, चौथा मैं हूं। हाँ जी आप तो चला रहे हैं ना, आपने तो लेके जाना है। अच्छा तो एक को गिरा सकता हूँ, दो को जिसने लेके जाना। यार ये बहुत खतरनाक सवाल पूछ लिया आपने। बस
इतना खतरनाक नहीं अगर हम अगर मैं जैसा कहता हूँ ना इंडिया में रहता होता, इंडियन होता, तो फिर मैं कहता क्या ना, मैं खुद ही डूब जाऊंगा। लेकिन मैं क्योंकि पाकिस्तान में रहता हूँ, तो मैं ये कहूंगा कि मैं तो खुल के बोल सकता हूँ ना, तो मैं ये कहूंगा कि मैं फिर चूज करूंगा बुमराह को और विराट कोहली को। डन हो गया। दूसरा ये है कि कश्ती चला रहे हैं बाबर आजम, रिजवान और शाहीन अफरीदी बैठे हुए हैं, एक को जो है वो आपने गिराना है और दो को लेके जाना है, शाहीन शाहीन और दूसरे नहीं गिरा दूंगा, आ रिजवान और बाबर को चुके लेके जाऊंगा। ठीक है, रिजवान बाबर को डन हो गया। मैं आपका जो है वो बड़ा मशहूर हूँ मलिक भाई, आपने टाइम दिया, 10K फैमिली मेरी कंप्लीट हुई थी, और दोस्तों जैसा से मैंने आपसे कहा था कि आप जिनको पसंद करते हैं उनको मैं अपने शो में लेके आऊंगा, तो आपने मलिक भाई टाइम दिया, मैं एक दफा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, नहीं फिर नहीं यार, और एनीवे बात एनी टाइम मिलेगा। अवेलेबल। ठीक है मलिक भाई, टेक केयर, और मैं तो आप सबसे भी दोस्तों शो अच्छा लगा और वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल से अपना प्यार लाजमी बढ़ेगा, सब्सक्राइब के बटन पर लाजमी क्लिक करिएगा। अभी आप अपने होस्ट मतियुद्दीन को इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।